हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास एट की मैथ एक्सरसाइज एट का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी तक वीडियोज नहीं पढ़ पाए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी हम आपको लिंक दे देंगे। सभी वीडियोज अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट की लिंक में जाइए, सभी क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, आने वाली वीडियोज में आपके उन कमेंट्स के आंसर हम बिल्कुल देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डिवाइड एंड वेरीफाई द रिजल्ट। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को डिवाइडेशन करने हैं और फिर उसका वेरीफाई भी करना है। कैसे सोल्यूशन करेंगे देखिए 36p² - 12p + 10 डिवाइड बाई 3p - 1। यानी जैसे नंबर डिवाइडेशन हम लोग करते थे आप लोग डिवाइडेशन टेबल्स पे, बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग वैसे ही डिवाइडेशन करना है। क्या करना होगा, जैसे 3p - 1 दिया गया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3p - 1 और डिवाइड बाई का साइन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 36p² - 12p + 10। यानी जिस तरह आप डिवाइडेशन नंबर्स के करते हैं सेम उसी टाइप से करने हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए कि किस प्रकार की किस प्रोसीजर वर्क करने वाले हैं। देखिए यहां पर ए बी सी डी ई तक क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी मेथड से होने वाले हैं। तो आप अगर एक भी क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, समझ में आ गए, तो सभी क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन दिए जाए आप बिल्कुल इजी तरीके से कर लेंगे। चलिए यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए टू नंबर्स दिए हैं 3p - 1, यानी यहां पे टू डिजिट नंबर है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, टू डिजिट नंबर पे डिवाइडेशन करेंगे। 3p - 1 का डिवाइडेशन 36p² - 12p में करने वाले हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे 3p, तो देखिए 3p का मतलब क्या होगा, 3 से किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 36 मिल जाए, है ना। 3 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 36 मिले, तो 12 3 36 होता है, 12 1 12 12 2 24 12 3 36। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 12, तो 12 का मल्टीप्लाई करिए 3 में, यहां पर नंबर जो नंबर यहां पे नोट करेंगे उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर्स आपको लेकर आने हैं। बस इसी तरह के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 12 3 36। इसके बाद देखिए यहां पर पी लिखा हुआ है, तो देखिए 36p और यहां पर है p²। यदि हम 12p से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर वही नंबर लिखेंगे जिसके मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आंसर हमें 36p² मिल जाए। तो 12 3 36 और p का p में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, p², ठीक है। इस तरह आप मल्टीप्लीकेशन करके करिएगा। इसके बाद देखिए 12p का तो हमने 3p में मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब 12p का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का साइन, तो माइनस आप लिखा रहने दीजिए और 12 1 12p, तो यहां पे हम यहां क्या नोट कर लेंगे, 12 1 12p, ठीक है। लाइन नोट करिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले कौन सा ऐसा नंबर यहां पे सेट करें कि इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3 में करने पर ये नंबर हमें मिल जाए, सबसे पहला प्राइमरी वर्क हमारा यही है। तो 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 3 36 और p का मल्टीप्लाई p में करो तो p², ठीक। माइनस का साइन है, माइनस लिख लिए और 12 1 12p, तो यहाँ पे 12p भी हमने नोट कर लिया। इसके बाद लाइन ड्रॉ करिए और लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, जो नंबर दिए जाते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, माइनस। जैसे डिवाइड करते थे सेम वही प्रोसीजर है, वही सेम प्रोसीजर करके आपको डिवाइडेशन करने हैं, यानी जो नंबर डिवाइडेशन थे। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए प्लस का साइन तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। यानी जो भी साइन आपको नीचे दिए जाए वो आप एक तरह से चेंजमेंट करना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए ये 36p² ये प्लस पे है, ये 36p² माइनस पे, तो दोनों कट गए, यानी इसका मतलब माइनस हो गए। 36p² में से 36p² माइनस करो तो आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक। इसके बाद देखिए यहां पर -12p है, ये प्लस का 12p, अब ये नहीं कि माइनस वाला जो हमने चेंज किया वो पढ़ेंगे, -12p और ये +12p, तो ये भी दोनों कट गए क्योंकि माइनस और प्लस के हैं, आंसर क्या मिल जाएगा, 0। यानी ये नंबर यहां पर माइनस होने के बाद आंसर क्या मिला, ओनली 0। इसके बाद यहां पर क्या नोट कर लीजिए, ये जो यहां पर नंबर दिया गया उसको आप कैरी ले लीजिए, +10 क्या है, यहां पर नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर कोई नंबर अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन करे जिसके नंबर मल्टीप्लीकेशन करने में कुछ बन रहा हो, तो ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मान लीजिए मैं कोई नंबर नोट भी करता हूं तो यहां पर देखिए पी वैल्यू आएगी जो कि ना तो कट रहा है ना कुछ हो रहा है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, ये है रिमाइंडर, ठीक है। ये नंबर आप क्या कर दीजिए, रिमाइंडर हो गया, और ये क्या है, ये है क्वेश्चेंट, इसे आप क्वेश्चेंट लिख लीजिए, ठीक है, ये तो डिविजर है ये। चलिए इतनी बात तो डिवाइडेशन की हो गई, अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई। इसके बाद आप यहां पे नोट कर लीजिए कि अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे कर वेरीफाई करेंगे, इस पर भी बहुत ध्यान से आप समझते चलिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को नोट कर लो, 36p² - 12p + 10 इक्वल टू, जहां पर आपने डिवाइडेशन का साइन लगाया हुआ था वहां इक्वल टू साइन लगा लीजिए,
3p-1, ये हम आपको वेरीफाई प्रोसीजर पढ़ा रहे हैं, कैसे वेरीफाई करना है। जो नंबर्स आपको क्वेश्चन दिए क्वेश्चन को नोट करना है, डिवाइड की जगह इक्वल टू को साइन लगा लेना है, और जो नंबर आपको दिए इसको ब्रैकेट पे नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो नंबर दिया गया है क्वेश्चन, इसका आप इसको भी ब्रैकेट पे नोट कर लोगे 12p, ठीक है। और ये प्लस आप क्या लिख लेंगे 10, जो यहां पर रिमाइंडर नंबर होगा उसे आप प्लस, ये नंबर अगर माइनस पे तो माइनस, जो भी नंबर हो उसे नंबर आपको एट इज वैसे ही नोट कर लेना है। यानी आपको ये जो फर्स्ट नंबर दिया उसको ब्रैकेट में लिखना है, जो क्वेश्चन आया हो उसे भी ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, और प्लस 10 आपको नोट कर लेना है। अब यहां पर जो हायरार्कीज का प्रोसीजर है इसको आपको सॉल्यूशन करना है, और LHS के इक्वल टू लेकर, अगर LHS इक्वल टू RHS है तो इट इज अ वेरीफाइड आंसर, और अगर नहीं है तो इट इज नॉट वेरीफाइड आंसर। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, 12p का मल्टीप्लीकेशन पहले 3p में करते हैं, तो 12 3 36p² हो जाएगा। क्या नोट करेंगे, 12 3 36p², और फिर 12p का मल्टीप्लीकेशन किसमें करोगे, माइनस में, तो 12p हो जाएगा 12p, ठीक है। 12p का मल्टीप्लीकेशन पहले 3p में, तो 12 3 36, और p का p मल्टीप्लाई p² हो जाएगा, माइनस लिख लेंगे, और 12p का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12p, और ये प्लस का 10, तो प्लस 10 आपका हाई है। तो ये देखिए 36p² माइनस 12p प्लस 10 इक्वल टू 36p² माइनस 12p, तो इसको आप यहां पर नोट भी कर लेंगे, ठीक है, माइनस 12p प्लस 10। तो ये देखिए ये बिल्कुल LHS इक्वल टू RHS, इट इज अ वेरीफाइड आंसर, बिल्कुल आपके आंसर जो भी है करेक्ट, दैट इज अ कंप्लीट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7A थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल इजीली तरीके से आप ये सभी क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसमें देखिए BCDE तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर वर्क है, किसी में कुछ भी चेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और बड़े आराम से आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।